ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2019 में जो गुरु पूर्णिमा पड़ रही है यानी 16-17 जुलाई 2019 को, उसका शुभ मुहूर्त कब है और उसकी क्या महत्व है, तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में गुरु को ईश्वर का रूप माना जाता है और ईश्वर के रूप होने के कारण गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वह भारतवर्ष क्या पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। और भारतवर्ष में सभी ऋतुओं का अपना अलग ही महत्व होता है। गुरु पूर्णिमा खास तौर पर वर्षा ऋतु में ही मनाई जाती है। इसका भी एक कारण है क्योंकि इन 4 महीनों में ना अधिक गर्मी और ना अधिक सर्दी होती है। यह समय ध्यानमग्न रहने का होता है और यह एक तरीके से देखा जाए तो अध्यापन के लिए बहुत ही अनुकूल एवं सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए गुरुचरण में उपस्थित शिष्य ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति को प्राप्त करने के हेतु इस समय का चयन करते हैं। साथ ही हम आप लोगों को यह भी बताना चाहते हैं कि हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को गुरु की पूजा अर्चना करी जाती है। यह बहुत ही बड़ा पर्व एक तरीके से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा का तिथि का आरंभ कब है। तो गुरु पूर्णिमा जो तिथि है उसका आरंभ 16 जुलाई 2019 को सुबह 1:48 पे है और गुरु पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 17 जुलाई 2019 को सुबह 3:07 पर रहेगी। तो हम आप लोगों को यह भी बताना चाहते हैं कि अब की बार जो है गुरु पूर्णिमा वाले दिन चंद्रग्रहण भी पड़ रहा है, जिसका सूतक लगभग 16 तारीख को शाम को 4 बजे के आसपास लग जाएगा। तो इसी वजह से आप लोग जो है गुरु पूर्णिमा किस प्रकार मनाएं और अपने गुरु का आशीर्वाद उस सूतक से पहले पहले या फिर चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। हमने एक वीडियो और बनाया है जिसमें हमने आपको बताया है कि किस प्रकार राशि के अनुसार आप लोग चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद क्या-क्या उपाय कर सकते हैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन। तो आप लोग वह वीडियो भी अवश्य ही देखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल होम रेमेडीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।